नहीं भाई, क्या कहेंगे आज का जो ये प्रोग्राम था इसके ताल्लुक से? आज का ये प्रोग्राम जो है, हमने देखा गरीबों को भी बहुत तकलीफ़ हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है किसी तरह से, अपना कहीं भी जा रहे तो लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने शिवसेना से जुड़ने की कोशिश किया मुसलमानों का कि वहाँ पर सब काम होता है। मैं करीब शिवसेना से 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर देख रहा हूँ कि काम होता है। तो काम के अपना उसकी वजह से मैं मुसलमानों को अपना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आओ, तुम जितने तादाद में आओगे उतना ज़्यादा काम होगा हमारा, हमको जब ताकत मिलेगी मुसलमानों की तो हम तो मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव साहब से ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सकते हैं। और बहुत से डॉक्टर हमसे जुड़े हैं अभी, अपना देख के हमारे कार्य को देखे कि लोग अच्छे काम कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम जो हमारे शिवसेना के अल्पसंख्यक विभाग, इस अल्पसंख्यक विभाग में हमारे तुफेल फारूकी साहब, इमरान अंसारी साहब और इसरार शेख, इन लोगों ने शिवसेना पर विश्वास रखकर, शिवसेना के कार्यप्रणाली को ध्यान में रखकर शिवसेना में प्रवेश किया है, अल्पसंख्यक विभाग में प्रवेश किया है। और उनको अल्पसंख्यक विभाग में यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष असलम कुरैशी साहब, इनके माध्यम से जिम्मेदारी दी गई है। और इस प्रोग्राम में खास करके हमारे जो डॉक्टर है, वार्ड बॉय है, चाहे एम्बुलेंस चलाने वाले हमारे ड्राइवर हैं, इन सब लोगों ने कोरोना कार्यकाल में जो काम किया है, अपने जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की है, उन सभी का सत्कार सम्मान यहाँ पर किया गया है। यह हमारे अल्पसंख्यक विभाग के नईम भाई है, इम्तियाज अंसारी है और हमारे तारिक भाई हैं, इनके माध्यम से और उनकी सभी टीम, जमालू भाई है, बहुत सारे लोग, इन सभी के माध्यम से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और निश्चित रूप से आज जो हमारे अल्पसंख्यक विभाग में जो जिस तादाद में लोग आ रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग प्रवेश कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई है, जो है शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में परिवर्तन आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर जो भिवंडी का भाईचारा बरकरार रखने का काम इन सभी भाइयों के माध्यम से हो रहा है। होता था और कमज़ोर वर्ग के लोग परेशान थे, उनको मजबूत करने के नियत से उन्होंने एक पार्टी की बुनियाद रखी। आदरणीय शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलते हुए 18 जातियों धर्मों के लोगों को अपने साथ जोड़कर जो शिवसेना बनाई, आज उसी विचारधारा को लेकर हम लोग आज शिवसेना में प्रवेश किए हैं। और आज शिवसेना के कार्य पर माननीय उद्धव जी साहब, माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब के कार्य पर विश्वास रखकर हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे सम्माननीय तुफेल फारूकी साहब, इन्होंने प्रवेश किया है, हम उनका स्वागत भी करते हैं, उनका स्वीकार करते हैं और उनको शिवसेना के अल्पसंख्यक विभाग के शिवसेना भिवंडी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उनके ऊपर जिम्मेदारी भी देते हैं। इसी तरह से हमारे दूसरे भाई है इमरान अंसारी साहब, जो माजी नगर सेवक हैं, इन्होंने भी बहुत सारा काम समाज कार्य यहाँ पर अपने माध्यम से किया हुआ है और शिवसेना पार्टी के कार्यों पर विश्वास रखकर आज इन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन की है। शिवसेना की जो कार्यशैली रही है पिछले दिनों, काफी दिनों से जब से उदय जी ठाकरे साहब की सरकार आई है, तब से हम लोगों के अंदर एक नया विश्वास जागा कि जो लोग शिवसेना की आलोचना करते थे या जो शिवसेना को भला बुरा बोलते थे, उदय जी ठाकरे ने यह साबित कर दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस सबको विश्वास में लेकर, और भी कई ऐसी पार्टियां हैं छोटी छोटी, सबका विश्वास लेकर जिस तरीके से उन्होंने सरकार महाराष्ट्र के अंदर चलाई और सबके लोगों का सम्मान किया, उस विश्वास के साथ हम शिवसेना पार्टी में प्रवेश किए। आज भिवंडी शहर में, भिवंडी शहर के औचित पाड़ा रोड पर उम्मतुन हाल के अंदर भिवंडी शहर के शिवसेना अल्पसंख्यक विभाग के कई पदाधिकारियों के बीच व भिवंडी पूर्व के पूर्व आमदार रूपेश दादा महात्रे के हाथों भिवंडी शहर के कई कोरोना योद्धाओं का, जिसमें डॉक्टर, पत्रकार, एम्बुलेंस ड्राइवर, सामाजिक कार्यकर्ता
सभी का पुष्प गुच्छ देकर कोरोना योद्धा के रूप में सत्कार किया गया। देख रहे हैं आप ये दृश्य। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार।